अरे कुछ तो बोल, गुस्सा क्यों हो रहा है? मैं आज के बाद आप लोगों के साथ किसी की भी शादी पे नहीं जाने वाला। हुआ क्या? मुझे वहाँ ले जाने का क्या मतलब है? ना मैं किसी को जानता हूँ, मुझे ये तक नहीं पता शादी किसकी थी। अरे वर्मा साहब है ना, उनकी बेटी की बड़ी वाली साली के छोटे जीजे की भतीजे की शादी थी। क्या? अरे छोड़ना, इनविटेशन आया था, पूरी फैमिली के साथ बुलाया था, इसमें क्या हो गया यार? यार वहाँ पे सब आपकी उम्र के थे, आपको क्या प्रॉब्लम होगी? मैं बोर हो गया ना, छोटे बच्चों के साथ चिड़िया और खेल रहा था। एक वेटर को मैंने कहा मुझे पेप्सी पिला दे, कहता अपने बाप से बोलियो कमीने, मेरी क्या इज्जत रह गई। अरे तू भी फंस गया। वो वेटर नहीं था, वो दूल्हे का मामा था। उसने कपड़े ही ऐसे पहने थे, व्हाइट शर्ट और ब्लैक वेस्ट कोट, सब उसी को वेटर समझ रहे थे। पता नहीं सबसे भिड़ गया वो। और वहाँ किसी के पास बात करने के लिए कुछ है ही नहीं। एक आंटी मुझसे पूछती बेटा क्या करते हो, मैंने कहा आंटी म्यूजिशियन हूँ। कहती मेरी बेटी की शादी में घोड़ी के आगे ढोल बजाओगे? मैं ढोल बजाने वाला लगता हूँ आपको? और मम्मी आपने सबके सामने क्यों बोला कि मेरे को शकीरा के गानों पे बेली डांस करने का शौक है? तू नाचता तो था। अरे तब मैं चौथी क्लास में था यार, फैंसी ड्रेस कॉम्पिटिशन था मेरा, कितना प्यारा लगता था। जैसे ही डीजे ने बेबी डॉल बजाया, सबने मुझे खेल लिया, कहते बेली डांस करके दिखा। तूने किया? तो और क्या करता, सारे शराबी आके घुटने में बैठ गए और पीपड़ी बजाने लगे। और तू? हमारे हुसैन दीवाने, कोने कोने दी, कोने कोने दी, अरे बेटे बेटे, अरे इतना सब हो गया, हम कहाँ थे? रसगुल्ले चाट रहे थे दोनों।